बहुत कर्जा देना है गुरु जी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है। हम बहुत जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, बहुत जगह जाकर हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिटर्न प्राप्त, हम बहुत जगह जाकर बोलते हैं, बहुत कर्जा है गुरु जी, बहुत कर्जा, बहुत कर कर बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर, कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध, एक बेलपत्र बाबा देवदी ने महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की ओर, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जैसे जलाधारी इधर है तो डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा, हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिवजी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना, शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिया, मिला दिया, ना जल भरा, जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया, ना। हमने पहले भी कथा में कहा है वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहां तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ, कौन सा बताया था, पारिजात, उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पर गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा, पारिजात का फल। पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है, आप वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया, पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, हमारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा कोई देवता उस पुष्प को, कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर हमने फूल, फिर निवेदन है दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति, याद रखना बहुत कर्जा, बहुत कर्जा, चुक ही नहीं रहा, आज शिवरात्रि है, पांच शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, पांच शिवरात्रि, पांच के बाद में फिर अपन बात करेंगे, तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि पांच शिवरात्रि का उपाय पड़ा था और फल मिला, पांच शिवरात्रि, बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया, आप समर्पित करिए, बेलपत्र की डंडी का मुंह किधर, जलाधारी की ओर, जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में दूध को झेल लिया, फिर बाद में जल चढ़ा, पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ा, फिर जल चढ़ा, वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली मात्र, उतना ही दूध लेकर उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आने के लिए एक उंगली जो लग जाए और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है, सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं जिससे गीला हो जाता है, चिपका देते हैं, दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए, थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए वो सूखे ना, तो दूध की एक उंगली भी अगर आपने पांच शिवरात्रि कर लिया, पांच शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार, वो शिवा उघड़ी है, शंभू उघड़ी है।